बड़ी और अहम खबर फतेहपुर से है। छेड़खानी से आहत होकर के एक छात्रा ने जहर खा लिया है और इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई है। आरोपी जान से मारने की धमकी देता था। कॉलेज जाते समय आरोपी छेड़खानी भी किया करता था। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ इसको लेकर के मुकदमा दर्ज कर लिया है। बड़ी जानकारी है, कॉलेज जाते समय आरोपी छेड़खानी करता था और इस वजह से ही फतेहपुर में छेड़खानी से आहत होकर के एक छात्रा ने जहर खा लिया है। तो बड़ी और अहम खबर इस समय आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई है, लेकिन छात्रा के साथ छेड़खानी हो रही थी और इसी से तंग आकर के छात्रा ने यह कदम उठाया। आरोपी जान से मारने की धमकी देता था। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कॉलेज जाते समय आरोपी छेड़खानी किया करता था। तो पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। तो छेड़खानी से आहत होकर के एक छात्रा ने जहर खा लिया है, तो बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अहम बात यह है कि इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई है। फतेहपुर के थाना चांदपुर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि आरोपी जान से मारने की धमकी देता था, छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता था और कॉलेज जाते समय छात्रा के साथ ये छेड़खानी होती थी और इसी से तंग आकर के छात्रा ने जहर खा लिया है, जिसके बाद इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया है। तो बड़ी खबर है फतेहपुर से, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छेड़खानी से आहत होकर के छात्रा ने जहर खा लिया, इलाज के दौरान से छात्रा की मौत हो गई है। दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये बड़ी और अहम खबर है।